सो so स्टूडेंट हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं द ग्रीडी क्लाउन ठीक है ग्रीडी का मतलब होता है लालची और हम ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप वाली वार्म अप विद द पेयर्स दैट डिस्कस व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग इन ईच पिक्चर्स देन आस्क ईच अदर एंड आंसर द क्वेश्चन डू यू थिंक डू यू लाइक डूइंग थिंग्स अलोन और टुगेदर कि क्या आपको पसंद है कि कोई काम साथ करके करना है या अकेले करना है जैसे ये स्टूडेंट जो है ये स्टडी कर रहे हैं बच्चे तो ये शेयरिंग हो रही है ये भी एक चीज़ की शेयरिंग हो रही है खाने पीने की जो है और ये जो है ये भी एक खाने पीने की शेयरिंग होती है ये अमरेला शेयर तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ शेयरिंग तो हमें कोई भी चीज़ कोई भी काम करना चाहिए वो हमें शेयरिंग करके करना चाहिए तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं सो <coughs> so, ये चैप्टर है हमारा ठीक है तो हम यहाँ से पढ़ते हैं सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं What do toys do when everyone else goes to sleep and do you they talk and play with one another and are naughty and fight with another विद एन अधर क्या वो जब सारे टॉयज सो जाते हैं तो क्या जब सब लोग everyone else goes to sleep क्या सब लोग सो जाते हैं तो क्या toys क्या करते हैं क्या आप सोच सकते क्या वो बातें कर रहे हैं क्या वो खेल रहे हैं या फिर कोई बात नॉटी थिंग्स कर रहे हैं या फिर फ़ाइट कर रहे हैं एक दूसरे तो हम ये स्टोरी को पढ़ के वो सारे आंसर्स फाइंड आउट करेंगे वंस देर वॉज अ टॉय ठीक है एक टॉय क्लॉन् था टॉय रहता था नर्सरी जैसे किसके साथ रहता बाकी सारे अपने टॉयज के साथ रहता था बट नो बडी लाइक हिम वेरी मच फॉर ही वॉज वेरी ग्रीडी क्योंकि लोग उसको लाइक नहीं करते थे बिकॉज ऑफ क्यू कर नहीं करते थे बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी ग्रीडी का मतलब होता है लालची इफ एवर टी पार्टी इफ एवर द टी पार्टी जब कभी भी टॉयज की टी पार्टी होती थी ही वॉज शॉर्ट टू ईट मोस्ट ऑफ द केक उनको हमेशा श्योर होता था कि वो मोस्ट ऑफ द केक्स जो है कि वो वही खा जाएगा वंस ही वॉज पुट सम सैंडविच इन हिज पॉकेट और क्या होता था वो कुछ सैंडविचेस जो था अपने पॉकेट में डाल देता था एंड व्हाट व्हेन ही थॉट नो वन इज लुकिंग जब वो उसको ऐसा लगता है कि उसको नहीं देख रहा है ही मिंट ईट देम बाय ऑल बाय हिमसेल्फ इन द नाइट और वो क्या करता था और वो सोचता था कि वो रात के समय में वो अकेला ही वो चीज़ें खा जाएगा तो जो ये क्लाउन है ठीक है ये जोकर है वो जो, इस जोकर की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? ये है वो ग्रेडी क्लाउन है ठीक है सो अब हम चैप्टर पे आगे चलते हैं ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्ल्यू जैकेट ब्लू ट्राउजर एंड रेड कोट सो ये देखो ये इसने एक रेड कलर का जिसने ट्राउजर पा रखा है तो ब्लू कलर का उस पर उसको बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था एंड प्राउडेस्ट ऑफ ऑल लवली ग्लिटरिंग ब्रॉच ठीक है ब्रॉच जो है जो इसने ये पा रखा है ये इसका ब्रॉच है ठीक है एंड एंड हैड गिवन हिम आउट ऑफ द क्रिसमस क्रैकर ठीक है एंड हैड गिवन हिम आउट ऑफ द क्रिसमस क्रैकर एंड वॉज अ लिटिल गर्ल ठीक है एंड वॉज अ लिटिल गर्ल बिलोंग टू दे लाइक्ट ही हर वेरी मच बिकॉज ही प्लेड एवरी डे विद दैम एंड वॉज अ जेंटल एंड काइंड सो एंड हैड गिवन हिम आउट ऑफ द क्रिसमस क्रैकर क्रिसमस क्रैकर का मतलब स्मॉल डेकोरेशन दैट ओपन्स विद द साउंड एंड कंटेन विद स्मॉल छोटे छोटे गिफ्ट से जो चीज डेकोरेशन तो एन कौन है ये एन है हमारी ठीक है ये एन है ये बहुत ही ज्यादा जेंटल लड़की है बहुत ही ज्यादा काइंड है वो थी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल गर्ल है ठीक है वंस डे एन हैड अ लवली प्रेजेंट गिवन टू हर एक दिन की बात है जो एन जो है वो लवली प्रेजेंट उसको देती है इट वॉज अ प्रॉपर लिटल स्टॉप ठीक है उसको क्या मिलता है एक प्रॉपर लिटल स्टॉप की तरह मिलता है जो गैस वाला होता है इट हैड ओवन इन उसके साथ में क्या होता है इन साइड में ओवन भी होता है एंड सॉस पैन एंड कैटल्स ऑन द टॉप उसके ऊपर सॉस पैन और केटल्स जो उसके ऊपर रख के हम कुछ भी बनाते हैं यू कुड रियली लाइट इट एंड कुक आपको पसंद भी होगा और उस पर आप कुछ भी कुक कर सकते हैं एंड लव्ड इट एंड कूक लिटिल पुडिंग फॉर हर सेल्फ ऑफ द बिस्किट और शुगर एंड जो है अपने लिए तो लव उसको पसंद भी था एंड कुक उसने कुक भी किया था लिटिल पुडिंग्स फॉर बिस्किट एंड शुगर के साथ ठीक है तो ये थी हमारी एंड सो नाउ व्हेन एवरीवन वाज डार्क एंड स्टिल वन नाइट जब एक टाइम की बात है जब रात का समय था एक दिन की रात है द क्लाउन ऑफ वो कैंड क्लाउन जो है ओ, उठता एकदम से और अपनी बॉडी को स्ट्रेच हिमसेल्फ कर अपने आप करता है ही वॉज वेरी हंग्री क्योंकि उसको भूख लग रही थी वो बहुत ज़्यादा हंग्री था ही रिमेंबर दैट लिटल स्ट्रॉफ उसको एकदम से याद आता है वो लिटल स्ट्रॉप जो एन को गिफ्ट में मिला है वट फन इफ़ यू कुड क्रीप आउट एंड कुकम से अगर वो उसको घसीटेगा क्रीप का मतलब तो घसीटना ठीक है अगर वो उसको घसीटेगा तो और कुछ भी वो बना सकता है अपने लिए कोई मील बना सकता है नन ऑफ द अदर टॉयज वर अबाउट और किसी को भी इसमें पता नहीं चलेगा ठीक है कोई भी उसके आसपास नहीं है एंड हैड बीन प्लेइंग विद देम सच अ लॉट दैट डे दैट दे दे वर ऑल फीलिंग टू टायर्ड एंड जो सारा दिन खेलते खेलते जो है वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी टॉयज के साथ और वो टू स्टेर आउट टू अप द ठीक है सो द क्लाउन टिप डॉप

अपने उसको कुछ भी नहीं मिलता कि कि क्या वो वो का मतलब होता है, है, है डिनर के लिए वो क्या बनाए जिससे उसका पेट भर जाए Then he saw the toy, shop. उसको एकदम से क्या चीज उसको एक दिखी उसको एक लीटर टॉय स्वीट शॉप दिखी जट एनाड लिटल देर वर लिटल बॉटल्स ऑफ स्वीट्स उसमें स्वीट्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी एंड पैकेट्स ऑफ चॉकलेट से लॉस एंजल्स यानी कि टॉफ़ीज थी ही ही वुड टेक सम ऑफ दो कुक देम और वो उनको वहाँ से ले आया सो ही वेंट द शॉप और वो वहाँ पे शॉप पे गया ओपन द डोर एंड वेंट बिहाइंड काउंटर काउंटर पे है ना वॉड नॉटी ऑफ हिम ही टुकसम स्वीट्स उठाता है पैकेट ऑफ चॉकलेट एंड शुकस हाथों में वो उठा लेता है वॉट अर फाइन मिल ही वुड कुक विद ऑल दो मिक्सड इन अ सॉस फैन टूगेदर और वो फाइन की कि, कितनी अच्छी सुंदर मील मिलेगी बहुत ही टेस्टी मील बनेगी जो इन सबको सॉस फैन में मिक्स करके बनाएगा ही टिप टॉप बैक टू द स्टोव और वो वैसे ही धीमी चाल चलते हुए वो वापस आया स्टोव के पास एंड ही एम्पटेड द स्वीट्स इन टू अ सॉस पैन वो क्या करता है वो सारी की जितनी भी स्वीट्स होती है वो सॉस पैन के अंदर डाल देता है एंड ही टुक इ टू द डॉल हाउस एंड टर्न ऑन द बाथरूम एंड टैप देर एंड हाफ़ फिल्ड द सॉ और वो वहाँ जाता है बाथरूम टैप पे और वो हाफ फिल्ड सॉस पैन को पानी से भर देता है देर वॉज कुक द स्वीट्स इन और वो वहाँ उसको ऐसा लगा कि अब जो है स्वीट्स जो है बन जाएंगी एंड ही थाट इट वुड मेक अ लवली स्वीट पुडिंग और वो सोचने कितनी सुंदर जो है स्वीट पुडिंग जो है वो बनेगी देन ही फाउंड सम मैचेस इन द बॉक्स बाय द फायर प्लेसेस देन ही फाउंड स मैचिज मैच इन द बॉक्स बाय फाइव अब वो मैच बॉक्स ढूंढने लग जाता है एंड लिट द स्टोव और लिट का मतलब होता है उसको स्टोव पर जलाने की कोशिश करता है फ्लेम शॉर्ट अप फ्लेम एकदम से जल जाते एंड ही पुट द सॉस पैन ओवर हीट और वह सॉस पैन को उसके ऊपर रख देता है नाउ हिज अ डिनर वुड भी कुक अब उसको उसको ऐसा होता है कि मेरा डिनर जब तो तैयार हो गया है द क्लाउन वॉज प्लीस्ड विद हिमसेल्फ मतलब कि प्लीस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश था हैप्पी था हा हा ही वुड हैव अ फाइन मील और उसको कितनी सुंदर मीट बन वॉयलिप कि वो उसको ऐसा लगता है कि बाकी सारे टॉयज सो रहे हैं द सॉस पैन वॉज नियरली बॉयलिंग जो सॉस पैन है वो मतलब कि बॉयल हो ही रहता है एंड सपर वुड सुन भी रेडी और धीरे धीरे क्या उसको लग रहा है उसकी जो लास्ट मील है वो बस रेडी होने वाली है हाउ गुड इट इज स्मेल कितनी सुंदर स्मेल आ रही है कि बहुत स्मेल जैसे आपको पता होता है कि स्मेल कितनी अच्छी होती है जब कुछ चीज़ अच्छी ममा वगैरह कुछ कितनी अच्छी चीज़ें बनाती है डिड अ लिटल डांस राउंड द स्टोव और वो डांस करने लग गया स्टोव के आस में एंड देन अ ड्रेडफुल थिंग थिंगपन अब एकदम से कोई ट्रैप टेरेबल मतलब कि बहुत ही भयानक चीज उसके साथ हैपन हुई एंड ही स्लीप हैंडल ऑफ द स्लीव थी क्लाउन की जो स्लीव थी वो हैंडल में फंस जाती है और सॉसपैन ओवर इंडि टू तो बैंड और वो जो सौ, जो uh, सॉसपैन हो तो जिसके अंदर जो भी कुछ वो बना रहा था वो सारा उसके ऊपर स्प्लिश स्प्लैश हो जाता है यानी इधर उधर गिर जाता है द बॉइलिंग वाटर शॉट एंड सम ऑफ इट फेल ऑन द्लाउंस और कुछ जो है जो clowns की लेग्स पे भी गिर जाते Godness, how he और मतलब कि वो चीखता है चिल्लाता है ठीक है he, cheek, he shrink. उसकी सारी वाजें सुन के वॉकअप ऑल द अदर टॉयज और उस बाकी सारे टॉयज भी आ जाए ऑफकोर्स दे केंग पोरिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड और वो सारे cupboard में से बाहर आते हैं whatever वट एवर द मैटर वॉज और वो देखते क्या हो गया ऐसा वट the clown द क्लाउन होल्डिंग why? तो उसको ऐसा लगता है कि क्लाउन क्यों अपनी हेलैक होल्ड करके बैठा है द स्पिल्ड सॉस पैन और वो उसको ऐसा लगा कि जितना भी पैन जो है उसने ऐसा क्या किया एंड द स्टिकी मैस ऑन द कारपेट और कुछ स्टिकी मैस जो है जो सार, सारा सारा गिर गया तो वो कारपेट पे भी गिर गया दे गेस्ट व्हाट ही हैड बिन डूइंग और उनको गैस करते पता नहीं इसने ऐसा क्या इट्स सर्व यू राइट ठीक है सेट द टेडी बियर क्या तुम इसको सर्व कर रहे थे राइट सेट द टेडी बियर यू आर फार टू स्लाइस लाइक का मतलब होता है चलाक या फिर कनिंग ठीक है एंड ग्रीडी भी तुम बहुत ज़्यादा चलाक हो ग्रीडी हो हाउ डे यू टेक स्वीट्स फ्रॉम द शॉप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो शॉप से वो उठाने की यूज आर एंड स्टॉप और तुमने एंड का स्टॉप भी कैसे उठाया स्टॉप मेकिंग स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज ठीक है ये जो भी तुम बकवास कर रहे हो ये बंद करो गो एंड गेट समीन आउट ऑफ द बॉक्स जाओ और जाके जो है वैसली निकालो बॉक्स में ऑन द शेल्फ शेल्फ के ऊपर जो पड़ी है टाइप ऑन द लेग्स विद योर हैंकर जो अपनी जहां पे भी तुम्हारी चोट लगी है उसके ऊपर जो है हैंकर यानी कि रुमाल जो है उस लेग्स के ऊपर बांध दो जहां लगी द क्लाउन होप ऑफ क्राइम वो और, और रोने लग गया द वुडन डॉल ट्राई टू स्क्रेप अप द वुडन डॉल ट्राई टू स्क्रेप अप्रेप अप का मतलब होता है कि रिमूव फ्रॉम द कार्पेट ठीक है स्टिकी मैथ जो जो होता है स्टेप डॉल ट्राइड जो वुडन डॉल है ये जो वुडन डॉल है ये जो है ये ट्राई करती है ठीक है नहीं वुडन डॉल ट्राई टू जो भी होती है वो उसका वुडन डॉल नहीं है वुडन द स्टिकी मैथ फ्रॉम द नर्सरी कारपेट एंड ओ डियर इट केम अवे विद द बिट ऑफ कारपेट एंड लेफ्ट होल देयर सो वो उनको कारपेट को साफ करते करते तो उनको एक होल मिलता है ठीक है द टॉय स्टार्टेड एट इट इन दिस डिसमे और वो इनको टॉयस को तो एकदम से वो वरी हो जाते है डिसमे का मतलब होता है ग्रेट वरी मतलब कि उनको वरी वट एवर कुड बी डन अबाउट दैट कि कुछ एन वुड बी सी एंड एन वुड भी स्कोल्ड अगर एन जब ये देखेगी और एन जो है उसको उसके लिए डांटा जाएगा स्कोल्ड किया जाएगा यानी उसको डांटा जाएगा समथिंग शी हैड डन मतलब कि उसने जो है ये काम किया नहीं हैड नॉट डन इट मस्ट बी मेंटेड समवेयर कि इसको हमें क्या करना मैंडेट पर? का मतलब रिपेयर्ड करना ठीक है वट शैल वी डू आस्क द बियर और वो पूछते हैं कि क्या करा जाए ऐसा और वो बियर से पूछते हैं क्वाइट a... सब लोग चुपचाप बैठे हैं बेटर एल्फ हम किससे पूछें एल्फ से पूछते हैं एल्फ हु हु इन लिवेंडर बैट ठीक है who, who वो कहाँ रहती है आसपास ही रहती है यानी कि लिवेंडर बैट का मतलब होता है बिग बेड ऑफ लिवेंडर फ्लार्स आउटसाइड में लगी वो शी विल विल कम द मैन डन द होल और उसने ये होल को वो सिल दी सेट द क्लॉक वर्क डक कौन कहता है ये है हमारी डक जो ये ये डक है ये बात ये कहती है क्लॉक वर्क डक कहती है ठीक है इट आई समाइम्स सी हर वेन एन टेक्स मी डाउन द पाथ एंड शी वेज स्विंग बल्कि उसको हमेशा देखती है जब मैं एन के साथ जाती हूँ बाहर तो वो कुछ ना कुछ सिल रही होती है सो आई एक्सपेक्ट शी कुली मैंट दट होल मैं एक्सपेक्ट इट कर सकती हूँ कि वो ईजली चल देगी गुड आइडिया सेट द बी एयर सो ही वेंट द विंडो एंड कॉल द एल्फ सर्टली तो अब वो ये रही एल्फ हमारी अब ये एल्फ को बुलाते हैं ये एल्फ है हमारी ठीक है एल्फ को बुलाते हैं आप और वो आ जाती है एंड वेन शी हेयर दैट शी वॉन्टेड हर टू डू कि वो आपके लिए क्या करते शी वेंट बैक टू गेट द नीडल एंड थ्रेड और वो मतलब कि अपनी जाके अपनी नीडल यानी कि सुई धागा लेके आती है एंड शी सेट डाउन द कारपेट एंड बिगेन टू सी और वो जो है वो जो होल है वो उसको सिलना स्टार्ट कर देती है ऑल द टॉयज बिलीव हाउ did. और आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितना सुंदर हर थ्रेड वेरी फाइन उसकी थ्रेड बहुत सुंदर है उसके हाथ का काम बहुत सुंदर है बट स्ट्रॉन्ग शी मैच दिस कारपेट परफेक्टली और उसने मैच कर दिया एकदम से सारा देअर्स शी सेट वेन इट वॉज ऑल डन इट्स एट ऑल राइट इट इज ब्यूटीफुल क्राइड ऑल द टॉयज वेरी गुड वो उसको बहुत सुंदर सेला व्हाट वुड यू लाइक रिवॉर्ड तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे रिवॉर्ड्स के लिए ये एल्फ ये सब टॉयज जो है ये सब लोग बोलते हैं ये ग्रीडी क्लाउन है बैठ के दूर से देख रहा है ठीक है सो आई शुड लव अ लिटिल ब्रॉच कि वो कहती है कि मुझे लिटिल ब्रॉच बहुत पसंद है सेट द एल्फ एल्फ कहती है शैली ओके वो शरमाते आई हैव इट वन यू नो ठीक है सो so, क्लाउन गिथ द एल्फ योर ग्लीटरिंग ब्रॉच और वो जो ब्रोच जो उसने पाया ये जो हमने ब्रोच की बात करी है ये ब्रोच जो उसने पाया वो उससे मांगती हैं तो ग्लीटरिंग ब्रोच सेट द टेडी बियर वंस अगेन बैक ऑनिंग यानी कि उसको बैक बैकनॉनिंग का मतलब कॉलिंग करना बार बार बोलना एंड क्लाउड फॉरवर्ड बट आई डोंट वॉन्ट टू ही सेट आई लाइक इट बट आई डोंट वॉन्ट टू द डज नॉट मैटर सेट द वुडन डॉल वुडन जो डॉल है वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता यू कॉज डैमेज टू योर ग्रीडीनेस अपनी तुमने जो चलाकी है जो तुम्हारी लालचीपन की वजह से जो तुमने डैमेज करे तो एल्फ को तुम्हें रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा एल्फ हैज पुट थिंग्स राइट एंड यू मस्ट रिवॉर्ड हर और जो है एल्फ ने जो है ये सारी चीज़ें मैस्ट तुम्हारा ठीक किया है तुम्हें उसके लिए उसको रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा गिव हर योर ब्रोच क्विकली जल्दी से अपना ब्रोच दीजिए तो क्लाउन अंडेड क्लाउन जो ये नहीं चाहता था विद टीयर्स इन हाई उसकी आंखों में आंसू थे द एल्फ टू किट बैड ग्लैडली

हंड्रेड ऑफ़ एवरी वियर बट ऑफ कॉस्ट शी नेवर फाउंड इट ठीक है अब उसको कभी नहीं मिलेगा एज फॉर द क्लाउन इज एंड वेन ऑफ ग्रीडी एनी मोर ठीक है अब उसको जो है ग्रीडी क्लाउन को किसी भी चीज़ के लिए उसको प्राउड नहीं रहा बिकॉज उसको जिसके लिए प्राउड था वो जो है वो उसे ले लिया गया है सो so, बाकी हम सभी ये चीज़ें जो है बाद में करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स थैंक यू स्टूडेंट्स कुछ भी चीज़ें अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए